हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं सीमा। आज मैं जेंट्स के पुराने बर्मुडा से ये वेजिटेबल बैग बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, घर के पुराने कपड़ों से बन जाएगा। तो पहले बर्मुडा की सिलाई सब खोल लेंगे, और खोलने के बाद एक के ऊपर एक रख के जो कॉर्नर का वो जो म्यानी सब रहता है वो सब निकाल देंगे। ये देखिए इलास्टिक भी निकाल देंगे। सब कट करके हमें कपड़े को बिल्कुल सीधा सा बना लेना है, और उसमें जो जेब रहता है, अगर आप में जेब ना हो आपके बर्मुडाज में तो कोई बात नहीं, अगर रहता है तो अच्छा है। देखिए मेरे में जेब है तो मैंने इसको रहने दिया है। और देखिए इसी साइज़ में मुझे बकरम कट करना है। ये मैंने बकरम लिया हुआ है, इसको भी इसी तरह से काट देंगे। इसी साइज़ में दो बकरम और दो अस्तर के लिए, और दो जो टांगने के लिए जो हमें चाहिए स्ट्रिप वो तैयार करने के लिए, पतले पतले स्ट्रिप करीब एक इंच का हमें बकरम काटना है और 2.5 इंच का कपड़ा काटना है। इस तरह से ये चारों तरफ देखिए अब सिलाई करेंगे। चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है, और जो बाकी एक्सेस कपड़ा किनारे किनारे निकला रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। देखिए सब सिलाई कर लेंगे। अब देखिए कट कर लिया मैंने। अब ये बीच बीच में मुझे सीधी सीधी सिलाई देनी है, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं देनी है, बस साइड साइड से पूरा सिलाई सीधी सीधी देना है, जिससे कि फिनिशिंग रहे और अच्छा मजबूत बन जाए। देखिए इसी तरह से सिलाई हमें देते रहना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरह से दोनों मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें ज्वाइंट कर लेंगे किनारे से, एक साइड पूरा हमें ज्वाइंट कर लेना है बढ़िया से। देखिए इस तरह से अब वाइट कलर का पतला सा स्ट्रिप हम कट कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऊपरी हिस्से में जो ऊपर रहता है हमारा पार्ट, उसमें ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर उसको फोल्ड करते हुए इस तरह से बाहर के साइड फोल्ड करेंगे, जिससे और उसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से, जिससे उसकी पट्टी तैयार हो जाए, कह लीजिए पाइपिंग तैयार हो जाए। देखिए अब हम हैंडल के लिए स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। पहले एक तरफ सिलाई देते हुए, और फिर उसको पहले देखिए इस तरह मोड़ के इस तरह से मोड़ेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी सिलाई दे देंगे। देखिए सिलाई दे दिया मैंने। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे, दोनों स्ट्रिप इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब बैग का हम नाप लेंगे, उसका मिडिल मार्क देकर निशान लगा लेंगे, और उससे 2-2 इंच की गैपिंग पे हमें दोनों स्ट्रिप लगा लेना। देखिए 2-2 इंच की गैपिंग पे स्ट्रिप को ज्वाइंट कर लेंगे बाहर के साइड से। अब इस तरह से निशान लगा लिया। अब देखिए इसके ऊपर ये अंदर की तरफ ये कपड़े को फोल्ड करेंगे, और बाहर की तरफ ही सिलाई रखेंगे। इसी तरह हमें दूसरा स्ट्रिप के लिए भी निशान लगा के सिलाई कर लेनी है। कि मैंने दोनों हैंडल को रेडी कर लिया है। अब हम दूसरा साइड और बॉटम रेडी कर लेंगे, सिल लेंगे। बॉटम के अब देखिए बॉटम के कॉर्नर में हमें नीचे साइड दोनों साइड में दोनों के कॉर्नर में देखिए 2-2 इंच पर निशान लगा के उसे ट्रायंगुलर शेप में सिल लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड इसी तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह
देखिए अब दोनों तरफ से कॉर्नर पे सिलाई करने के बाद अब इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने पर ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। देखिए आप भी पुराने कपड़ों से ये बैग रेडी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।